गुरुवार को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्तों में किसानों का भयंकर प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में जहां नोएडा में खास तौर पर जो दिल्ली का जो गेट कहा जाता है वहां पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया अपनी तमाम मांगों को लेकर। सुबह से पुलिस डिप्लॉयड थी और पुलिस की तैयारी थी कि कहीं कुछ अगर उग्र प्रदर्शन होता है तो उससे भी बिल्कुल बंदोबस्त के तरीके से बचा जा सके। लेकिन शाम होते होते खबर आई कि 8 बजे के करीब एक मीटिंग होनी है, जिसके साथ ही साथ किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया शाम को। और बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर ये मीटिंगें होंगी जिसमें तय किया जाएगा उन तमाम समस्याओं को लेकर बात होगी, जिसको लेकर किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार बीते कई दिनों से प्राधिकरण के सामने धरना दे रहे थे, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के सामने जब जो मांगे नहीं मानी गई उसके बाद संयुक्त रूप से तमाम जो अलग अलग मांगे थी उन तमाम किसानों ने संयुक्त रूप से इस धरने का आह्वान किया। और इस पूरे आंदोलन में दिल्ली के संसद तक ये पूरा मार्च निकाला जाना था, जिसको नोएडा में ही रोक दिया गया था। और यहाँ पर जब ये नोएडा में रोका गया उसके बाद तो नोएडा के तमाम जगहों पर रूट डाइवर्टेड दिखे और तमाम जगहों पर रास्ता ब्लॉकेज नजर आया। लेकिन इस दौरान जब हमने किसानों से बात की, इन किसान नेताओं से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। पुलिस अधिकारियों की तरफ से इंटरवीन किया गया, जो किसानों का मूवमेंट पिछले 50-52 दिन से चल रहा था आज वो सड़कों पर आया। सड़कों पर आने के बाद यहाँ का कहना मीडिया भी जगह है और प्रशासन भी जगह है, ये इनकी डिमांड्स क्या क्या है। हमारी डिमांड्स भी एज एन जो कंसोन हमारा पूर्व में रहा है उसी कंसोन से आज भी है। हमने कोई नई डिमांड्स लेकर नहीं आए हैं, जो सेटल्ड है उसी की बात करते हैं। तो पुलिस अधिकारी ने इंटरवीन करते हुए कहा कि हम लोगों का प्रस्ताव ये था कि हमारी मीटिंग माननीय मंत्री जी, जो औद्योगिक विकास मंत्री जी हैं और IADC सर हैं और अपर मुख्य सचिव हैं उसमें और तीनों अथॉरिटीज के CEO इनके साथ हमारी मीटिंग कराई जाएगी। और सेकेंडली जो NTPC का इशू है वो CMD से हमारी मीटिंग कराई जाएगी और CMD फिर उसके बाद निर्णय करेंगे, क्योंकि हमारी जो NTPC का इशू है वो हम कहते हैं कि सेम पेडेस्टल पे उनको एक सेम समान मुआवजा दिया जाए। उसके संबंध में हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी ने 250 रुपये प्रति वर्ग गज का मुआवजा तय किया है। अब उसी को लेकर के बातें तय होनी है। कोई टाइम बाउंडेशन दिया है इसमें मीटिंग कराएंगे? एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दोनों मीटिंग सकारात्मक हो जाएंगी। अभी हमारे पास ये कहा है कि अभी हमारी CPM से शाम को 8 बजे मीटिंग है, तो वो भी हमारी तय है। अभी आप लोग का क्या आगे का स्टेप है? देखिए, हम लोग अथॉरिटीज पर और NTPC पर बैठे हुए हैं, हम लोग वहाँ से हटे नहीं हैं। अगर ये मुद्दे तय नहीं हो पाए, जैसा हम मीटिंग में अगर नहीं बन पाया, तो हम दोबारा सड़कों पर आएंगे। और ये खलीफा जी का कहना है कि दिल्ली दूर नहीं है, तो वो दिल्ली वाकई में दूर नहीं है। कमिश्नर मैडम साहब से प्रस्ताव आया है कि आपकी एक हाई पावर कमेटी बना रहे हैं जिसमें अपर मुख्य सचिव, चेयरमैन साहब, सारे अपने जनप्रतिनिधि, तीनों प्राधिकरण के CEO और अपनी कमिश्नर मैडम और DM साहब सारे शामिल होंगे। आपकी समस्याओं को निश्चित तौर पर वो आप वो सुनेंगे और उसका समस्या का समाधान करेंगे। 8 बजे उन्होंने अभी बुलाया है इसी बात को लेकर। हाँ, कई हजार लोगों को सारे ट्रैक्टर नहीं आन दिए हैं, बस नहीं आन दी है, लोगों को गांवों में रोका गया। परमात्मा की फिर भी कृपा है, बहुत विश्वास है लोगों में। अच्छा, आप वापस जा रहे हैं? आप लोग हम वापस रोड को छोड़कर जा रहे हैं और जा रहे हैं अपने अपने धरनों में। अच्छा, नोएडा अथॉरिटी बंद पड़ी है, उसको देखेंगे। अच्छा, उसको बंद रखेंगे। अच्छा, शाम को क्या बिल्कुल वही बैठे हैं, वही बैठेंगे। NTPC बैठे वही बैठेंगे, ग्रेटर नोएडा बैठे वही बैठेंगे, अंसल बैठे वहाँ बैठेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये, अगर जब शाम को मीटिंग होगी 8 बजे, आपको लगता है कि आपकी बातें फिर भी टालमटोल हो रही है, फिर क्या करेंगे? अगर फिर बहकाने की आवाज आई तो आप समझ रहे हो दिल्ली फिर दूर। अब पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल दिसंबर 2023 से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनकी जमीन को अधिग्रहित किया गया है उसका बढ़ा हुआ मुआवजा, यानी कि सही मुआवजा जो उनके द्वारा कहा गया वो नहीं मिला है, जिसको लेकर वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब लंबे धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बना, उसके बाद 7 फरवरी को यहाँ पर एक महापंचायत की गई, उसके बाद 8 तारीख को तय किया गया कि 8 तारीख को संसद तक एक मार्च निकाला जाएगा जिसमें अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई जाएगी। लेकिन इस मार्च को ही नोएडा में ही रोक दिया गया। किसानों को प्रदर्शन को रास्ते में रोकने के बाद यहां पर किसानों से बातचीत हुई, अधिकारियों ने तमाम लेवल की बातचीत के बाद यहां पर हल निकाला गया। फिलहाल
अब अगली मीटिंग में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक हफ्ते का समय दिया गया है, इसमें क्या कुछ निकल कर आता है वो यूपी तक आपको जरूर बताएगा। तब तक देखते रहिए यूपी तक।